चार बच्चियों को ले गया झाड़ियों में, बोला चीज दिलाऊंगा। और फिर झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में दो युवक चॉकलेट दिलाने के बहाने बैला फुसला कर दो बच्चियों को झाड़ियों में ले गया, जहां पर उनके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। जब बच्चियां आरोपी की मंशा को भाप पाई तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर बच्चियों ने आरोपी की मंशा को जाना और शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, यह देख आरोपी भाग गए। घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की है, जहां रहने वाले परिजनों का आरोप है कि चार बच्चियां रोज की तरह आज भी घर से बाहर खेल रही थी, तभी मोहल्ले के रहने वाले दो युवक उनके पास आए और चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ झाड़ियों में ले गए। इसके बाद उनके साथ गलत काम करने का प्रयास करने लगे। बच्चियों ने विरोध करते हुए चीखने चिल्लाने का प्रयास किया, जिस पर आसपास मौजूद क्षेत्रवासी झाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। यह देख आरोपी बच्चियों को छोड़कर भाग गए। बच्चियों ने परिजनों को पूरी बात बताई, जिस पर परिवार बच्चियों को लेकर थाने पहुंचा, जहां शिकायत करते हुए पूरे मामले से अवगत कराकर शिकायत के आधार पर पुलिस ने छानबीन करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रेमनगर में आज शाम को महावीरनपुरा मोहल्ले की कुछ महिलाओं ने शिकायत की कि उनके घर की चार नाबालिग लड़कियों के साथ मोहल्ले के दो लड़कों ने कथित तौर पर छेड़खानी की है। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल थाना प्रेमनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें बना दी गई हैं, जो लगातार अपनी कार्रवाई कर रही हैं। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, विवेचना की अग्रिम वैधानिक कार्यवाही संपादित की जा रही है। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।